नमस्कार, बॉलीवुड मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनू सभरवार एक बार फिर लेकर आई हूँ मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी और मसालेदार खबरें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं बॉलीवुड मसाला। खत्म हुआ मामा भांजे का 7 साल पुराना झगड़ा। कृष्णा अभिषेक ने फैंस को दिया यू हिंट। कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक एक बार फिर अपने मामा गोविंदा संग कोल्ड वार को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। वहीं एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर खबरों में वह छा गए हैं। मामा भतीजे के बीच हुई अनबन के बारे में सब जानते हैं। वहीं अब दोनों के बीच रिश्ते सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बात का हिंट खुद अभिषेक ने सोशल मीडिया पर दिया है। दरअसल अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें मामा भतीजा गोविंदा के हिट गाने छोटे मियां बड़े मियां पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स फेम एक्टर मैथ्यू पेरी का हुआ निधन। 54 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमेरिकी कैनेडियन एक्टर मैथ्यू पेरी का महज 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह अपने घर में ही मृत पाए गए। जानकारी के मुताबिक एक्टर की मौत हॉट टब में डूबने से हुई है। बता दें, मैथ्यू टीवी सिटकॉन फ्रेंड्स लाइक अस से मशहूर हुए थे, जिसमें उन्होंने चैंडलर बिंग का किरदार निभाया था। बॉक्स ऑफिस पर तेजस का निकला दम। बौखलाई कंगना ने फैंस से लगाई मदद की गुहार। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी वायुसेना पायलट तेजस गिल पर आधारित है, जिसे कंगना प्ले कर रही है। वही कंगना को इस फिल्म से काफी उम्मीद है। उन्होंने जोरों शोरों से फिल्म का प्रमोशन भी किया था। बॉक्स ऑफिस आंकड़े देखकर कंगना बेहद परेशान नजर आ रही है। उन्होंने अपने फैन से मदद की गुहार भी लगाई है। दरअसल कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा की है, जहां वह कह रही है कि कोविड के बाद से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रही है। राजकुंद्रा की आने वाली फिल्म UT69 के बायकॉट करने की उठी मांग। सामने आई एक्टर की प्रतिक्रिया, कहा सबूत के बिना बयान ना दे। राजकुंद्रा जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। राज फिल्म UT69 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर वे इन दिनों खबरों में भी छाए हुए हैं। फिल्म में राज के जेल में कटे दिनों की कहानी दिखाई जाएगी। राज फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठ गई है। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट कर राज की फिल्म को बायकॉट करने की अपील की है। राजकुंद्रा ने ट्वीट का जवाब भी दिया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, प्लीज आप एक भी महिला का नाम बताएं जो आपके इस दावे पर सपोर्ट करती हो। पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन प्लीज सबूत के साथ बयान दे। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे, नफरत सिर्फ मीडिया ने पैदा की है। सिंगम अगेन में हुई इस सुपरस्टार एक्टर की एंट्री। रोहित शेट्टी जल्द ही अपनी सबसे मशहूर फ्रेंचाइजी सिंगम के अगले पार्ट के साथ धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। जब से सिंगम अगेन की घोषणा हुई है, फैंस इसे लेकर बेहद एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। वहीं अब दर्शकों के एक्साइटमेंट को दुगना करने के लिए मेकर्स ने फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों को रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर साझा की है। वहीं इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, कार्यभी प्रगति पर है। वहीं किसी एक यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि ये फिल्म में अजय देवगन का एंट्री सीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।